Hi friends, welcome back to my channel. This is Vinita and hope you all guys are doing very well. आज हम बनाने जा रहे हैं vitamin C serum जो कि होम मेड होगा और इसका क्या आपने करना है, आपने इसको बहुत ही ईजी घर में मौजूद चीज़ों से इसे बनाना है और आप सब जानते हैं कि मार्केट में मौजूद vitamin C serums कितने एक्सपेंसिव सेल हो रहे हैं. तकरीबन 2000 तक जो है वो आपको इनकी बॉटल्स मिल जाती हैं. ये सीरम बहुत एक्सपेंसिव है. अगर हम इसे घर पे बनाते हैं तो इसमें कोई भी जो है वो केमिकल्स नहीं होंगे और इसको हम नेचुरल तरीके से बना सकेंगे. ऑरेंज पील जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी स्किन के लिए क्या असरात रखता है. स्किन पर मौजूद तमाम दाग धब्बों को ख़त्म करता है. स्किन का जो कम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है. तकरीबन 10% उसको इम्प्रूव करता है. आपकी स्किन के कम्प्लेक्शन को, आपके चेहरे से दाग धब्बों को ख़त्म करता है और जो ओल्ड या आपको एजिंग साइन इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, एजिंग साइंस होते हैं आपकी स्किन पर, उनको बहुत हद तक रिड्यूस करता है. सो विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन के लिए समझ लें कि 100% बेहतरीन नतीज लाता है आपकी स्किन पर तमाम जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने में. सो आज का जो सीरम है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं. उससे पहले अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें. अब यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़ करना है ऑलिव ऑयल. उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं ऑरेंज. अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो 2 ऑरेंज यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ 1 ऑरेंज 1 मंथ के लिए काफ़ी है. यहाँ पर हमने ऑरेंज पील लेना है और इसे ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से. सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने एक ग्रेटर ले लेना है और एक ऑरेंज लेना है. ऑरेंज कोशिश करें कि फ्रेश हो. फ्रेश ऑरेंज से ये होगा कि उसकी जो स्किन होगी वो टोटली फ्रेश होगी और इजीली ग्रेट हो जाएगी. सो इसको हमने अच्छे से ग्रेट करना है और ग्रेट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पहले इसकी जो साइड्स हैं उनको ग्रेट कर लें ताकि इसकी जो टॉप और एंड है वहाँ से आप इसको ग्रिप दें. और ग्रेट करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो आप ग्रेट कर रहे हैं वो ग्रेटर का जो साइज़ है उसके होल्स का वो भी दरमियाना हो, बहुत छोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना. अब देखिए मैंने इतने इसे ग्रेट किया है और कितना ज़्यादा जो मेरे पास है इसका पील वो ग्रेट होके आ चुका है. और ऐसे देखें इतना हमें चाहिए, काफ़ी है. तकरीबन मैंने 1 बोतल विटामिन सी सीरम की बनानी है सो इतना काफ़ी रहेगा. विटामिन सी जो है हमारी स्किन की, जिसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारी स्किन से तमाम दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पेन ले लेना है. उसमें हमने जो भी इसके पील ग्रेट किए थे वो हमने यहाँ पर इसमें डाल देने हैं. ऑलमोस्ट अगर आप छोटा ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं तो 2 ऑरेंज ले सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा ऑरेंज है तो वो आप 1 ही ले सकते हैं. उसके बाद हमने ऑलिव ऑयल यहाँ पर डालना है तकरीबन 1 कप. अच्छा, क्वांटिटी आपने इस तरह से देखनी है कि आपके ऑरेंज पील जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अच्छे खासे हैं और इसमें तकरीबन 1 कप जो है वो काफ़ी होगा मुझे. अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, अगर आपके पास ऑरेंज पील कम आपने लिया है तो आपने 1/2 कप जो है वो ऑलिव ऑयल का लेना है. तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को एक पैन में डाल लेंगे. अच्छा, ऑलिव ऑयल की बात कर लेते हैं. ऑलिव ऑयल आप सब लोग जानते हैं कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज, डीपली मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन से जो भी ड्राइनेस है या ड्राई पैचेस हैं उनको ख़त्म करता है. इस सीरम से आपकी स्किन सेल्स की ग्रोथ होगी, स्किन सेल को प्रमोट करेगा उसकी ग्रोथ को और आपके चेहरे पर जितनी भी फाइन लाइन्स हैं इनको रिड्यूस करेगा. विटामिन सी सीरम जो है वो आपके चेहरे पर रिंकल्स, जो ओल्ड रिंकल्स हैं उनको बहुत हद तक कम कर देता है और अगर न्यूली बिल्ड रिंकल्स हैं तो उनको, उनके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है. विटामिन सी जो है, इसका जो मैं सीरम बनाने जा रहे हैं, ये एक वंडरफुल एंटी एजिंग एजेंट है जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है, आपके चेहरे से स्कार्स को, ब्लेमिशेस को ख़त्म करता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लेके आता है. अब हमने मीडियम आंच पर इसे जो है ऑयल पे डाल के भूनना है, फ्राई करना है. इतनी देर फ्राई करना है ताकि ये हल्का सा जो है वो पकने वाली शेप में आ जाए. और देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो ऑरेंज पील है ये अपना कलर जो है वो ऑयल में छोड़ते जा रहे हैं. अब तकरीबन इसे जो है मैं 5 से 6 मिनट तक हल्की आँच पर फ्राई करूँगी. लो टू मीडियम आपने इसे फ्राई करना है और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये फ्राई होगी आपने इसे साथ साथ हिलाते जाना है ताकि जो साइड्स वाला इसका पील है वो सेंटर में आए और सब जो है यकजा इनमें से जो विटामिन सी है वो ऑयल में ट्रांसफ़र हो जाए.
दोनों को हमने साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि इसकी जो ऑयल है वो अच्छे से विटामिन सी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। और कलर आप देखते जाएं, मैं आस्ते आस्ते आपको स्पून में दिखाती भी जा रही हूँ, इसका कलर डिवेल्प होता जा रहा है। विटामिन सी जो है वो आपके स्किन पर मौजूद तमाम ऐसे दाग धब्बे जो बहुत पुराने हैं उनको भी ख़त्म कर देगी। विटामिन सी सीरम जो हम ये बना रहे हैं इसे छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 10+, स्पेशली वो बच्चे जिनके चेहरे पर दाग धब्बे या भूरे तिल के निशान आजकल बच्चों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर किसी को इस तरह के निशानात हैं या किसी को पैदाइशी निशान है चेहरे पर कोई, तो उस पर ये इसे रेगुलर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उसका जो दाग है चेहरे पर या जो भूरे तिल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इसमें कोई केमिकल्स नहीं हैं, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने चेहरे पर लगाते हैं और उनमें केमिकल्स होते हैं और हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन सी सीरम है और बहुत ही इजीली आपको 2 इंग्रेडिएंट से घर में इजीली बना सकते हैं। और तकरीबन ये जो अब हम बना रहे हैं इसकी वर्थ जो है वो 1400 to 1500 कम अज़ कम इतनी है मार्केट के लिहाज से। सो आपने इसे इजीली घर पर बनाना है और इसे यूज़ कब करना है ये भी मैं आपको बताती चलूँगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो आपने एंड पे लास्ट तक लाजमी देखनी है। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर ये जो विटामिन सी सीरम है आप जो है वो दिन के टाइम अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि आप सनलाइट में नहीं जाएं। आप घर के अंदर हैं अगर, या अगर आपका ऑफ है, या आप हाउस वाइफ्स हैं या घर में रह रही हैं बच्चियाँ जो, तो उसको वो इसको दिन के टाइम यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ जो है आपने इसे रात के टाइम यूज़ करना है सोने से पहले। अब यूज़ कैसे करना है कि आपने अपने चेहरे को अच्छे से पहले मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मॉइस्चराइज़ करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने अपने चेहरा पहले अच्छे से वॉश ऑफ कर लेना है। वॉश ऑफ करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना है, उसके बाद आपने ये सीरम जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करना है और इसे टैपिंग मोशन में स्किन में अब्जॉर्ब करना है। अच्छा, आप इस देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो रहा है, कितना डेवलप हो गया है इसका कलर। सो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है एंडिंग प्रोसेस पर आ चुके हैं और अब तकरीबन ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे बस हमने 1 से 2 मिनट जो है वो मज़ीद फ्राई करना है। वीडियो मैंने यहाँ पर तेज़ की हुई है और साथ साथ में जो है वो स्पून जो है वो हिला भी रही हूँ ताकि जो है अच्छे से दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होकर कलर दे दें। यहाँ पर तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, मैं आपको बताती चलूँ, ये बिल्कुल न्यू बोतल थी, फुल थी। और मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये देख, तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है। ये इतनी जो है वो मैंने इतना ऑयल इसमें ऐड किया है। तो ये जो विटामिन सी सीरम है ये मुझे काफ़ी अरसे तक चल जाएगा। सो अगर आप 1 लार्ज साइज़ ले रहे हैं ऑरेंज, तो आप इतना 1 कप इसमें जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि वो जो हमने विटामिन सी सीरम बनाया था वो कतरे ठंडा हो जाए तो आपने एक स्टेनर की मदद से एक जार में ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करके आपने क्या करना है कि इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़ाया ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत से बना हुआ है। तो आपने इसे नीचे इस तरह से सुकून रख लें और इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लें, या कीप की मदद से भी आप जो है इसे कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे जो पील हमने ग्रेट किए थे ये हमने स्टेनर में डाल देने हैं और इसको हमने अच्छे से प्रेस करके इसमें से तमाम जो जूस या जो भी ऑयल इसमें रह चुका है उसको हमने प्रेस करके निकाल लेना है इस तरह से। अच्छा, जब मैंने सारा स्टैंड कर लिया, अपने लिहाज से मैंने तकरीबन सारा कर लिया, लेकिन इसको जब मैं फेंकने लगी तो मुझे इसको अपने हाथों पे प्रेस किया तो इसमें से फिर भी अच्छा खासा विटामिन सी सीरम जो है इसके अंदर मौजूद था। सो आपने इस दफ़ा फेंकने से पहले भी एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेना है और फिर बेशक आप अपने हाथों पर अप्लाई कर लें। आपने एयर टाइट जार में इसे ठंडा होने के बाद डाल देना है और एक ड्रॉपर की मदद से इसे यूज़ करना है, क्योंकि हम इसके चंद कतरे ही अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। सो ड्रॉपर बेस्ट है इसको यूज़ करने के लिए। आप इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। विटामिन सी सीरम जो हमने बनाया है ये आपके स्किन पर तकरीबन 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएगा और ये होममेड है तो आपको किसी साइड इफ़ेक्ट्स का ख़तरा भी नहीं है और ना ही आपने इतना ज़्यादा इसके लिए चार्ज किया है। और इसको आपने नाइट टाइम में प्रायोरिटी पर यूज़ करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।